डिफरेंशिएबिलिटी में पीछे हम लोग जो थ्योरम किए थे उसी के हेल्प से आपका डिफरेंशिएबिलिटी का एक महत्वपूर्ण थ्योरम जो एग्जामिनेशन के व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आगे फ्यूचर में भी इसका बहुत यूज आता है, डर बॉक्स थ्योरम। और वे डर बॉक्स थ्योरम है क्या, उसके स्टेटमेंट को एक बार हम पढ़ते हैं और फिर उसका कैसे प्रूफ किया जाएगा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा जा रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ, ये फंक्शन एफ है जिसका डोमेन सेट क्लोज इंटरवल ए बी है और को डोमेन रियल नंबर आर है, यानी हमने यह ले लिया कि यह ए और बी ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा रियल नंबर आर है। इसी में एफ एक फंक्शन है जो डेरिवेबल ऑन इन ए बी, यानी ए बी क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब यह ए बी इस सेट में है और यह बी भी इस सेट में है, तो ये हमारा ए बी और उसके बीच के सारे पॉइंट इसमें है। और कहा जा रहा कि यह ए बी और इसके बीच के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हमको दिखाना क्या है, और भी एक चीज दिया गया, दो चीज कि ए और बी इसके बीच और ए और बी इन दोनों पर भी जो फंक्शन कहा जा रहा है कि ये डेरिवेबल है, तो हमको ये और फिर ये दिया जा रहा है कि एफ डैश यानी ए पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है और बी पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं, ये दोनों का साइन एक नहीं है, यानी ए पर डिफरेंशिएबिलिटी जो है और बी पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है उनके साइन अपोजिट है, यानी यदि ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव और यदि ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं। तब हमको ये दिखाना है कि ये हैव अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो हमको दिखाना क्या है, दिया है कि यह इस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो कोई सेट कोई फंक्शन किसी सेट में फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उस सेट के डोमेन सेट के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो इसके हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। और जो ई है और बी है इन दोनों पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है इनके साइन जो है वो अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, इस तरह से रहेगा। तब हमको दिखाना ही है कि यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमको दिखाना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये छूट जाएगा और बी छूट जाएगा, इसके बीच में जितने पॉइंट होंगे वही हमारा ओपन इंटरवल के होंगे। तब ये कहा जा रहा कि ए और बी छोड़ करके इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, उसी पॉइंट का नाम दे दिया गया सी, यानी एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी जीरो होगा। क्वेश्चन को एक बार और क्लियर समझ लें कि हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में एफ डिफरेंशिएबल है और एफ डैश और एफ डैश भी ये दोनों के साइन अपोजिट हैं, तब हमको ये दिखाना है कि ओपन इंटरवल ए बी यानी ए और बी को छोड़कर बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जिस पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी जीरो होगा, तो जिस पर मिलेगा उसी को इसने नाम दे दिया सी, यानी एक पॉइंट इसमें जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो हमारा जीरो हो जाए। इस वर्क को हमको करना है, तब आपको इस वर्क को करना है तो आप क्या कर लें कि चूंकि ये क्वेश्चन में दिया गया दो तीन बातें हैं जिसको आप इस थ्योरम को स्टार्ट होने से पहले आपको उसको समझ लेना पड़ेगा, वो चीज़ समझे रहेंगे तभी आगे का वर्क हमारा इजी होगा। पहला कि कोई भी यदि फंक्शन है और वो किसी क्लोज इंटरवल में यदि वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा फंक्शन यदि यहाँ कोई पॉइंट है सपोज कर लें इसका कोई भी नाम यदि अल्फा ले लें और अल्फा पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, तब कहेंगे कि ये अल्फा पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है।
लेकिन अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा ए पर भी डिफरेंशिएबल है, ए तो ये के लेफ्ट में तो कोई पॉइंट इस सेट में आएगा नहीं, और जो राइट में आएगा लेफ्ट में नहीं आएगा, और बी के राइट में नहीं आएगा लेफ्ट में आएगा। तो क्लोज इंटरवल में यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है, उसका मतलब ए और बी को छोड़कर बीच के जितने पॉइंट हैं उन सभी में लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मिलेगा। लेकिन जो हमारा क्लोज इंटरवल होगा तो जो बाउंड्री का पॉइंट होगा उस पर केवल डिफरेंशिएबल ऑन द राइट ही मिलेगा, और जो बी होगा उस पर डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसके राइट में पॉइंट इस सेट में नहीं है और इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट इस सेट में नहीं है। इस सेट में ई सहित ऊपर के सारे पॉइंट हैं और यह बी सहित नीचे के सभी पॉइंट हैं। तो यदि फंक्शन कोई क्लोज इंटरवल में यदि डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब यह है कि यह एफ डैश ए डिफरेंशिएबल ऑन द राइट होगा, एफ डैश बी डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा। ये दोनों चीज़ें ए डिफरेंशिएबिलिटी में हमको ये चीज़ मिलती है। और ए और बी को छोड़ दें, ओपन इंटरवल ए बी, इसके हर पॉइंट पे फंक्शन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा, तब हम कहेंगे कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ कि ए और बी को छोड़ करके जितने पॉइंट होंगे उन सब पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मिलेगा और दोनों इक्वल होगा, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। लेकिन इसका जो बाउंड्री का पॉइंट है क्लोज इंटरवल जब है तो बाउंड्री के पॉइंट पर केवल डिफरेंशिएबल ऑन द राइट और डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट ही होगा। बाउंड्री के पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट नहीं होगा और डिफरेंशिएबल ऑन द राइट नहीं होगा, फिर भी ये केवल बाउंड्री पर ये दोनों रहेगा और बीच के सभी पर लेफ्ट और राइट दोनों रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड पर ये डिफरेंशिएबल है। तो ये पहली बात आपको यहाँ से मिला कि ए पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यहाँ केवल डिफरेंशिएबल ऑन द राइट होगा, और बी पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा, केवल ये दो ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की क्या मीनिंग हुई इस चीज़ को हम लोगों ने समझा, ये पहली बात आपको समझाना था। और दूसरी बात कि अभी जो इसके ठीक पहले वाला जो हम लोगों ने थ्योरम किया है उस थ्योरम को एक बार आप पढ़ लेंगे और उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का यहाँ यूज होना है। अब उस यूज में क्या हमको करना है कि अब देखें कोई भी हमारा फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल ऑन द राइट हो, ये दो थ्योरम हम लोगों ने किया है डिफरेंशिएबल ऑन द राइट और डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट, तो इन दोनों को याद रखने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। याद का मतलब स्टेटमेंट को जिसका हमको यूज करना है, प्रूफ तो जो बता चुके हैं बता चुके हैं। यदि कोई एक पॉइंट है ए और इस पर यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट हो, यदि हमारा कोई एक पॉइंट है इस पर फंक्शन यदि हमारा डिफरेंशिएबल ऑन द राइट है, तो यानी यह ए और ए प्लस डेल यही हमारा राइट होगा। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट हो तब एफ डैश ए पॉजिटिव होगा, यानी ए से इधर का लेंथ पॉजिटिव और इधर का लेंथ निगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव की तरफ, राइट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव की तरफ। तो अब यह ए से जब राइट आएगा डिफरेंशिएबल ऑन द राइट आएगा, इसका मतलब वो इंटरवल ए से आगे की तरफ जाएगा। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उन दोनों रिजल्ट के प्रूफ के बाद जो हमने किया है उसके बाद, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट है, इसका मतलब इस ए से राइट इंटरवल में यानी हमको एक डेल मिलेगा राइट में, कि इस इंटरवल में जितने भी एक्स होंगे उन एक्स का एफ एक्स जो होगा जो यह ए है उस एफ ए से
ग्रेटर तब होगा जब ये पॉजिटिव रहे, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो जो एफएक्स होगा वो एफ आई ए से ग्रेटर होगा, और यदि ये निगेटिव है तब इस इंटरवल में एफएक्स जो होगा वो इस एफ आई ए से लेस होगा। इस बात को समझो, यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट हो, राइट का मतलब ए से आगे राइट डायरेक्शन में हमको मिले, तो जब यह इंटरवल हमारा या अब इधर देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी यह वैल्यू इधर की तरफ पॉजिटिव बढ़ता है। इट मीन्स जब ये इंटरवल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तब इसमें जितने भी एक्स होंगे ये पॉजिटिव होगा, तब एफ एक्स हमारा यू एफ से ग्रेटर होगा। केवल एक को ध्यान रखो, पॉजिटिव कब होगा और वैसा नहीं है तो निगेटिव होगा, दोनों को एक साथ रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। हमने क्या किया कि ए से राइट डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव होगा तब एफ एक्स एफ आई से ग्रेटर। अब इसका दूसरा समझ, यदि हमारा कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट हो, तो लेफ्ट हो तो लेफ्ट तब आएगा जब इसके पहले होगा, ये इंटरवल पहले होगा, राइट आगे जाएगा और लेफ्ट पहले आएगा। तो आप देखेंगे कि जब इधर आएगा तो ये निगेटिव है, इधर निगेटिव, इसका मतलब जब डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा तो निगेटिव होने पर हमारा एफ एक्स एफ एक्स एफ आई से ग्रेटर होगा। इस चीज को एक बार थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो इसी पर ये थ्योरम है, और वैसे कब एफ एक्स हमारा ग्रेटर होगा उसी को ध्यान रखो, यदि वो ऐसा नहीं है तो लेस आ जाएगा, लेस को याद नहीं रखना, ग्रेटर कब होगा वो ध्यान रखें। तो अब इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखना बहुत कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी बात को समझ लें। ए से जब आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव, और यदि मान लिया यह बी है तो इसके लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव, ठीक है ये। तो एफ एक्स यह ए से ए राइट है और यह बी से लेफ्ट है, तो यह एफ एक्स यह एफ ए और यह एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर कब होगा, केवल ग्रेटर काम देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट में इसके राइट में यदि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ऑन द राइट है तो उस राइट वाले इंटरवल में एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर तब होगा कि इधर राइट में पढ़ने पर पॉजिटिव हो रहा है, तो जब पॉजिटिव रहेगा तब ये ग्रेटर होगा। अब दूसरा देखें, यह एफ बी से यदि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट हो, तो जब लेफ्ट हो तो लेफ्ट का मतलब ही था, तब हमारा इसमें एफ एक्स इस एफ बी से ग्रेटर होगा, केवल ग्रेटर को अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें जो एक्स होगा वो उसका एफ एक्स इस बी से ग्रेटर होगा, तब जब हमारा ये निगेटिव वाला इंटरवल है, यानी एफ डैश बी निगेटिव होगा तब। इट मीन्स यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट होगा तो राइट में पॉजिटिव होने पर एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर, और जब एफ हमारा बी पर डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में ए लेफ्ट में हमारा ए निगेटिव आएगा, तो लेफ्ट में निगेटिव होने पर एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर होगा। तो ये ग्रेटर वाला ध्यान रखें कि डिफरेंशिएबल ऑन द राइट होने पर राइट में पॉजिटिव हो रहा है, तो एफ डैश पॉजिटिव होगा तब एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर, और ये बी में डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट हो तो लेफ्ट में निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव होने पर एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर, यानी ग्रेटर एफ एक्स कब है केवल उसी को कंडीशन को देखा गया। तो डिफरेंशिएबल ऑन द राइट में पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव होने पर, और डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट में निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव होने पर एफ एक्स यानी एफ एक्स ग्रेटर कब हुआ उसी को हमने बताया। अब इसका उल्टा आप समझ, अब ये हमारा एफ डैश निगेटिव हो जाए तो जब ए से राइट में बढ़ेंगे तो ये एक्स पॉजिटिव रहेगा, राइट में एक्स पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव है यदि वही है तब ये एफ एक्स ग्रेटर,
लेकिन यदि ये निगेटिव हो गया तो ये अफेक्ट सही हो ये से लेस। एक को याद रखें वो नहीं है तो दूसरा लेस। अब यह डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट है, तो जब ये लेफ्ट है तब इस लेफ्ट में ये निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव होने पर एफेक्ट एफ बी से ग्रेटर। लेकिन यदि इसमें निगेटिव ना हो पॉजिटिव हो तो एफेक्ट एफ बी से लेस हो जाए। ठीक है, ये अब इस आइडिया को एक बार आप ठीक से समझ लेंगे। इन दोनों का यूज करते हुए इस थ्योरम को हम लोग दो स्टेप में करेंगे। तो एक बार देखें प्रूफ इसका हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रूफ करने में ये दिया जा रहा है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी इन दोनों पे जो साइन है वो अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हम एक डिफरेंट कर लें, किसी एक को निगेटिव ले लें किसी एक को पॉजिटिव ले लें। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट एफ डैश ए इज निगेटिव, एंड एफ डैश बी इज पॉजिटिव। ये हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, एफ डैश ए को भी पॉजिटिव और एफ डैश बी को भी निगेटिव, कोई एक अपोजिट होगा, ये डिफरेंट है। तो यदि हमने एफ डैश ए को निगेटिव लिया तो एफ डैश बी हमारा क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। तो ये तो जो हमने सपोज किया उससे आपको मिला। अब आप देखें ए पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द केवल राइट होगा। ए पर फंक्शन हम ऐसे समझे यह ए है और यह बी। तो अब हमने क्या किया कि एफ डैश ए और एफ डैश बी एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव ले लिया। तो देखें यह ए है और इसमें डिफरेंशिएबल है, फंक्शन दिया गया है, तो ए पर डिफरेंशिएबल ऑन द केवल राइट ही होगा। तब आप देखें कि यदि यह एफ डैश ए में डिफरेंशिएबल ऑन द राइट ही होगा, तो जो राइट में इंटरवल है ये राइट में इंटरवल इसमें एक्स एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर तब होगा जब एफ डैश ए पॉजिटिव है। लेकिन हमने एफ डैश ए को निगेटिव लिया है, इसलिए हमको ए से ए प्लस डेल यानी ए से आगे और ए प्लस डेल इसके बीच के जितने एक्स हैं उनका एफ एक्स हमारा ग्रेटर होता एफ ए से यदि एफ डैश ए पॉजिटिव होता तो। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आपका जो एफ एक्स होगा इसके बीच के जितने एक्स होंगे उनका एफ एक्स एफ ए से लेस होगा। इस चीज को समझे कि जब ए पर ए केवल डिफरेंशिएबल ऑन द राइट ही होगा क्योंकि लेफ्ट में पॉइंट नहीं है, तब हम देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द राइट है तब एफ एक्स और एफ ए में रिलेशन क्या होता है। तो ए राइट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एफ डैश से रहता तब हमारा उसका एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर होता। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं यहाँ निगेटिव लिया गया, तो जब निगेटिव हो गया तो इसका मतलब इस इंटरवल का एफेक्ट होगा वो एफ ए से लेस होगा, ऐसा बने। अब आप देखें ये जो बी है इस बी के लेफ्ट में केवल वैल्यू हमको मिलेगा, राइट का पॉइंट इसमें नहीं है। तब जब यह एफ डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा तो यह लेफ्ट में एफ डैश बी यदि निगेटिव होता तब हमारा एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर होता। लेकिन इसमें एफ डैश बी को हमने पॉजिटिव लिया है इसलिए इसके लेफ्ट का जो इंटरवल होगा उसमें जो एक्स होगा वो एफ एक्स एफ बी से लेस होगा। तो यहाँ से एफ डैश ए समझाया गया, लिखा नहीं गया लेकिन समझने के लिए आप समझ लेंगे कि यह ए में केवल डिफरेंशिएबल ऑन द राइट ही होगा लेफ्ट नहीं होगा, और यह बी में डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट ही होगा इधर के पॉइंट नहीं है राइट नहीं होगा। तो एफ डैश ए पॉजिटिव रहता है तब ये राइट में राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होने पर एफ एक्स
एफ आई ए से ग्रेटर होगा, लेकिन हमने एफ डैश ए को निगेटिव लिया है, इसलिए अब एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर नहीं लेस होगा। अब आप देखें इसमें हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट ही होगा, इसमें राइट नहीं होगा। तो जब डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में एफ एक्स इस एफ बी से ग्रेटर तब होता जब एफ डैश बी निगेटिव होता, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं लिया गया, पॉजिटिव लिया गया। इसका मतलब इसमें जो इंटरवल मिलेगा उस इंटरवल के जितने भी एक्स होंगे उनका एफ एक्स एफ बी से लेस होगा। तो एफ डैश बी इज, अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस एफ डैश ए इज निगेटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इसलिए अब एफ डैश बी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव जब ये पॉजिटिव है तो आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ये इधर है तो निगेटिव है, तब हमारा ये जो इंटरवल मिलेगा जो ये एक्स होगा वह बी से डेल डिस्टेंस पहले और बी इसके बीच के जितने भी एक्स होंगे उनका एफ एक्स इस एफ बी से लेस होगा। अभी हम लोगों ने दो चीज़ों को समझा, एक तो हमने सपोज कर लिया कि एफ डैश ए को निगेटिव लिया, एफ डैश बी को पॉजिटिव लिया, तब चूंकि एफ डिफरेंशिएबल ए पर केवल राइट ही होगा तो राइट में हमारा यदि ए जो राइट इंटरवल में है तो ए पॉजिटिव हो रहा है तो एफ डैश ए पॉजिटिव होता तब एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर होता, लेकिन ये निगेटिव लिया है इसलिए एफ एक्स एफ ए से लेस हो गया। अब एफ डैश बी पर हमारा डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट ही होगा, राइट नहीं होगा, तो एफ डैश बी डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव होता तब एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर होता, लेकिन ये निगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव लिया गया इसलिए एफ एक्स होगा वो हमारा एफ बी से लेस होगा। तो हम यहाँ ये पाए कि एक के राइट में एक इंटरवल मिलेगा जिसके बीच के जितने एक्स होंगे उनका एफ एक्स एफ ए से लेस होगा, और बी पर डिफरेंशिएबल ऑन द लेफ्ट है इसलिए इसके लेफ्ट में एक इंटरवल मिलेगा कि उस इंटरवल में जितने भी एक्स होंगे उनका जो एफ एक्स होगा वो हमारा एफ बी से लेस होगा। ये चीज हमने फर्स्ट राउंड में पाए। अब आप देखें दूसरी बात, एफ इसमें दिया गया कि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, एक डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल है, और कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल है जरूरी नहीं है, थ्योरम हम लोग कर चुके हैं। तो ये फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो इसमें वो कंटिन्यूअस भी होगा, और जब कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, यानी ए बी में हमारा जो है एफ ए सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसा किया, अब यह एफ इज डेरिवेबल, डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इंप्लाई एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और जो कंटिन्यूअस होता है वो बाउंडेड होता है, तो दिस इंप्लाई एफ इज बाउंडेड, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ जो हुआ वो हमारा बाउंडेड हो गया। तो जब बाउंडेड हुआ इसका मतलब हमको क्या मिला कि ये हमने इसके पहले किया है, यदि हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो बाउंडेड होता है, तो उसका सुप्रीमम और इनफीमम, सुप्रीमम और इनफीमम दोनों एग्जिस्ट करता है, और इसी में एक पॉइंट मिलता है जिसका एफ इमेज उस इनफीमम या एक्स सुप्रीमम को वो असाइन करता है। इसका मतलब ये थ्योरम पीछे आया हुआ है, उसका प्रयोग क्या है, यह हमारा बाउंडेड हो गया, तो जब बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब ये अपर बाउंड भी होगा लोअर बाउंड भी होगा, और ये हमारा ये एफ है तो ये रियल नंबर है,
रियल नंबर हमारा कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होता है तो उसका मतलब ये कंप्लीट है। तो यदि कोई भी जैसे ये इस सेट के जितने भी एलिमेंट लिए गए उन सभी एलिमेंट से जो सबसेट आया वो सबसेट हमारा ये जो आया आर का सबसेट हो गया, और ये हमारा बाउंडेड है क्योंकि एफ बाउंडेड है। तो जब बाउंडेड होता है तो डिफिनिटली उसका अपर बाउंड भी मिलेगा लोअर बाउंड भी मिलेगा। तो जब अपर बाउंड मिलेगा और आर कंप्लीट है तो इसका मतलब यदि कोई भी हमारा सेट आर कंप्लीट है तो उसका एक सबसेट जो बाउंडेड एबव हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड भी मिलता है, और ठीक वैसे ये चूंकि बाउंडेड है तो इसका लोअर बाउंड भी मिलेगा। ये बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड भी मिला और लोअर बाउंड भी मिला। तो जब लोअर बाउंड तो इस आर का जो ये सबसेट आया वो हमारा बाउंडेड बिलो हुआ। तो यदि आर कंप्लीट है तो कोई सेट जो उसका बाउंडेड बिलो है तो उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमको डेफिनेटली मिलता है। तो यानी इसमें इनफीमम और सुप्रीमम दोनों मिलता है, और एक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं कि इसका जो इनफीमम होगा उसके लिए भी इसका एक पॉइंट मिलेगा जिसका एफ इमेज यह देगा, और इसका जो सुप्रीमम होगा वो भी हमारा जो आएगा वो एक इसमें एक पॉइंट आएगा जिसका एफ इमेज सुप्रीमम को भी देगा। तो ये चीज थ्योरम हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, उसका यहाँ यूज है। तो अब आप देखें जब एफ बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम और इनफीमम दोनों मिलेगा। तो f इज बाउंडेड, दिस इंप्लाई f हैज इट्स f हैज सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए बी। ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसमें जितने भी पॉइंट है सबका एफ इमेज ले तो जो सबसेट आएगा उसका सुप्रीमम और इनफीमम दोनों मिलेगा। तो अब देखें ये दोनों मिलेगा लेकिन हम एक को लेते हैं, किसको लेते हैं? तब आप देखें यह जब एफ एक्स हुआ ये एफ एक्स यदि लेस आता है, ये एफ एक्स लेस जैसे हमने ऊपर दो कंडीशन लिया है एफ एक्स एफ ए से लेस आया, एफ एक्स एफ बी से लेस आया, तो जब लेस आता है तब इनफीमम को लेके चलते हैं। और यही सपोज कर ले कि एफ डैश ए को पॉजिटिव लेते और एफ डैश बी को यदि निगेटिव लिए होते तब आपका इस इंटरवल में एफ एक्स ग्रेटर होता है एफ ए से, और इसमें आपका एफ एक्स ग्रेटर होता है एफ बी। जब ये अपोजिट साइन हो जाता तो जैसे ये हमारा पॉजिटिव तो कोई एक लेके चलेंगे, तो जब एफ एक्स ग्रेटर होगा तब यहाँ से मिलेगा तो सुप्रीमम और इनफीमम दोनों, लेकिन जब ऊपर जो हमारा सपोजिशन है उससे लेस एफ एक्स आएगा तो इनफीमम को लेके चलेंगे, और जब ग्रेटर आएगा तब हम सुप्रीमम को लेके चलेंगे। तो चूंकि जो सपोज किया है उसके अनुसार एफ एक्स दोनों में लेस आ रहा है इसलिए इनफीमम को लेके चलेंगे। तो यहाँ से लेट इनफीमम ऑफ ए बी इज एल, सुप्रीमम भी मिलेगा लेकिन सुप्रीमम हम लेके चलते यदि एफ एक्स ग्रेटर होता तो। ये चीजें तो दोनों एफ हमारा डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, बाउंडेड हुआ और बाउंडेड हुआ तो सुप्रीमम भी मिलेगा इनफीमम भी मिलेगा। तो इसके सुप्रीमम को हम यदि यू से डिनोट करें और इनफीमम को एल से डिनोट करें तो यहाँ तक तो दोनों आएगा, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो यदि हमारा एफ एक्स लेस हुआ तब एल को लेके चलेंगे इनफीमम को, और यदि हम ये पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव आता तो एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर और एफ एक्स एफ बी से ग्रेटर, तो उस स्थिति में हम सुप्रीमम को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ इसके सुप्रीमम को हमने मान लिया एल, यानी इनफीमम को, इसके इनफीमम को यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हुआ इसके जितने लोअर बाउंड है उसमें एक जो इनफीमम है इसको हमने ले लिया एल। तो जो इसका इनफीमम होगा उसके लिए इसमें एक पॉइंट मिलेगा जिसका एफ इमेज एल देगा, यानी हमको इसमें एक पॉइंट मिलेगा
इस डोमेन में जिसका एप इमेज इस यल को देगा। तो जो पॉइंट हुआ उसमें हम ये देखेंगे कि जो यह एफ ए है और यह एफ बी है ये दोनों इन्फिमम को नहीं देगा। अब इस बात को समझे क्यों नहीं देगा, इसीलिए इसको लेकर चले। तो अब आप देख रहे हैं कि यह एक्स यह ए जो है यह ए तो जो यह इंटरवल है इस इंटरवल में जितने एक्स हैं उनका एफ एक्स इसका एफ एक्स इस एफ ए से लेस है। तो जब एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से लेस आ गया इसलिए यह एफ ए इन्फिमम नहीं देगा, क्योंकि इन्फिमम तो वो होगा कि उसके बाद इस सेट में उससे छोटा कोई एलिमेंट उसकी वैल्यू ना दे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एफ ए जो होगा एफ ए यह एल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम ये देख रहे ए यल क्या है कि इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनमें जिसका यप इमेज सबसे सबसे छोटा हुआ वो हमारा इसका इन्फिमम हुआ। तब हम देख रहे हैं कि एफ ए से छोटा तो इसके बीच के जितने यक्स हैं सब दे रहे हैं, इसका मतलब ये छोटा नहीं दे। और वैसे ही हमारा जो यह एफ बी है ए बी एल को नहीं देगा, क्योंकि देखें इस बी से इस इंटरवल में जितने भी यक्स हैं उन सबका एफ एक्स एफ बी से लेस है। इसका मतलब यह एफ बी और एफ ए दोनों जो इन्फिमम है उसको नहीं देगा। तो अब ए और बी को छोड़कर के ही देगा, इसीलिए देखिए यहाँ ओपन इंटरवल आया है। ये ऊपर सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि हमारा ये जो इन्फिमम हमने लिया है वो ए का यफ इमेज नहीं होगा, बी का यफ इमेज नहीं होगा। तो जब ए और बी का नहीं हुआ तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी में कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसका यफ इमेज हमारा यल देगा। तो अब दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब ये हमारा यह ओपन इंटरवल जैसे हमारा है तो ये कि सब पूरे सेट में कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसका यफ इमेज यह यल देगा, तो उसमें यह ए और बी भी आ सकता है। लेकिन जो ऊपर कंडीशन लिया गया है वो देखा गया कि ए से जो यह इंटरवल है यह इंटरवल इसके जो यक्स हैं वो यफ ए से खुद छोटे हैं। तो जब ये खुद छोटा दे रहा है इसका मतलब यफ ए हमारा सबसे छोटा नहीं देगा, लिस्ट नहीं देगा। और वैसे ही इस बी पे जो ये एक्स है ये जो इधर के एक्स हैं उन सबका एफ एक्स एफ बी से लेस है, तो इसका मतलब इसके बीच के जो एक्स है उनका एफ एक्स जब इसे एफ बी से लेस दिया तो सबसे छोटा देने वाला एफ बी नहीं होगा। तो ए और बी दोनों सबसे छोटा देने वाला नहीं हुआ तो इसका मतलब ए और बी को छोड़ करके होगा। तो जब सेट से ए और बी छोड़ दिया जाता है तब क्लोज नहीं रहता है, तो वो हमारा ओपन हो गया। यानी ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जो इन्फिमम होगा उसके इन्फिमम के लिए इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसका यफ इमेज ये होगा। तो अब हमने देखा कि ए का यफ इमेज यल नहीं हो रहा है और बी का यफ इमेज एल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट जरूर मिलता है जिसका यफ इमेज एल दे, इसका मतलब वो पॉइंट ए और बी को छोड़ करके होगा। तब हमने ए और बी के बीच का इसको छोड़ करके कोई एक पॉइंट हमको मिलेगा जिसका एफ इमेज यह यल देगा। अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि इस ओपन इंटरवल में जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। हमारा तो इस फंक्शन की ये वैल्यू यह लाया, हमको ये दिखाना कि यह डैश सी जो हुआ वो जीरो हो गया। तो अब इसको हम प्रूफ कर लेंगे तब हमारी सारी बातें समाप्त हो गई। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसको आप देखें एक बार। तो हमने देखा कि इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी मिला जिसका यफ इमेज या इन्फिमम है एल दे दिया।
अब हमारा क्लेम है कि इसी का डिफरेंशिएशन जीरो देगा, ये अभी क्लेम है, प्रूफ नहीं किया है। अब हमारा सपोजिशन है, सपोजिशन है कि यार एफ डैश सी जो होगा वो जीरो देगा, लेकिन इसको अभी हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ये रिजल्ट आ जाए तो थ्योरम कंप्लीट है हमारा। अब हमने सपोज, अब हमको दिखाना है कि क्लेम है कि इसी का डेरिवेटिव, ये फंक्शन की वैल्यू है, इसकी डेरिवेटिव जीरो होगा। अब इसको प्रूफ करना है, तो अब हम सपोज कर ले कि यदि जीरो ना हो, जीरो दिखाना है। अब यदि ये जीरो ना हो क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा, अब इसको हम प्रूफ करें, तो यदि ये जीरो ना हो तो या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो नेगेटिव होगा। तो इफ एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आइदर आइदर एफ डैश सी इज पॉजिटिव पॉजिटिव आर एफ डैश सी इज निगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होगा और नहीं तो निगेटिव होगा। अब आप पहले को ले, इफ एफ डैश सी इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव हो, यदि हमने एफ डैश सी को पॉजिटिव लिया, तब देखें कि सी हमारा इस ए पी के बीच का कोई एक पॉइंट आया जिसका एफ सी, जिसका एफ सी ए एफ सी यही हमारा एल दे दिया है, ये इसी का जो एफ सी हुआ वही एल दिया है। अब आप देखेंगे कि एफ डैश सी जो अभी हम लोग स्टार्ट में यूज किए थे, तो ये सी का एफ डैश सी यदि पॉजिटिव होगा, जैसे यही हमारा ए और बी को छोड़ दिया, इसके बीच का हमारा कोई सी हुआ, तो ये हमारा जो सी है या सी है, इस सी पर एफ डैश सी यदि पॉजिटिव हो, तो आप इस ए सी का पॉजिटिव लेंथ ये हुआ, नीचे का निगेटिव होगा। तो आप देखेंगे कि यदि एफ डैश सी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का जो एक इंटरवल मिलेगा इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि उसके यक्स जितने होंगे एफ एक्स ओ एफ सी से ग्रेटर होंगे, जो आपको ये बताया गया कि कोई भी हमारा एक पॉइंट है या हमारा पॉइंट है और यह फंक्शन यदि हमारा डिफरेंशिएबल है, तो यदि एक डिफरेंशिएबल ऑन द राइट है, तो ये पॉजिटिव होने पर एफ एक्स एफ ए से ग्रेटर होगा, और यदि ये डिफरेंशिएबल ऑन द, अभी ये जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ से क्या है, ये एफ एक्स लेस देन को हमको लेना है। तो देखेंगे कि अब ये देखेंगे ये भाई, यह सी, सी पर दो इंटरवल है, एक आपका चूंकि ये सी ए और बी को छोड़ करके है, तो इस सी का ये राइट इंटरवल भी है, ऊपर वाला राइट है और नीचे वाला लेफ्ट है, ठीक है ये। तो यदि एफ डैश सी आपका पॉजिटिव होगा, तो ये राइट में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉजिटिव रहने पर एफ एक्स इस एफ सी से ग्रेटर होगा, एफ एक्स एफ सी से ग्रेटर, लेकिन हमको ग्रेटर नहीं, इसमें ये लेस आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा इंटरवल आवे जिसमें एफ एक्स एफ सी से लेस आवे। तब आप देखेंगे कि जब एफ डैश सी आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो ये निगेटिव वाले के तरफ में एफ एक्स एफ सी से लेस होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ एफ एक्स एफ सी से ग्रेटर, लेकिन ये लेस में आ रहा है तो हमको लेस वाला नहीं लेना। तो इसका मतलब ये सी से सी माइनस डेल, यानी यह जो सी से सी माइनस डेल, इसके बीच के जितने यक्स हैं उनका जो एफ एक्स होगा वो एफ सी से लेस होगा। ये इंटरवल जो लेस है, तो लेस वाला हम देखेंगे कि किस इंटरवल में एफ एक्स लेस होगा। तो देखें ये सी है, इसका राइट भी है लेफ्ट भी है, तो जब पॉजिटिव रहेगा तो राइट में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ एक्स
एफसी से ग्रेटर होगा, लेकिन हमको ग्रेटर नहीं दिखाना है। तो यदि ए पॉजिटिव की तरफ एफएक्स एफसी से ग्रेटर होगा, इसका मतलब निगेटिव की तरफ एफएक्स एफसी से लेस होगा। तो लेस वाले को लेंगे, सी से इधर की तरफ निगेटिव हो रहा है, तो इसमें जितने भी एक्स होंगे उनका एफएक्स जो होगा वो एफसी से लेस होगा। तब आप देखें कि इसमें जो यह इंटरवल है, ये इंटरवल, इसका एक्स जो है वो एफएक्स एफसी से छोटा गया। इसका मतलब जो यह एफसी इनफिमम को दे रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यह सी क्या है, सी वो पॉइंट को लिया है जिसका यफ इमेज, इसका जितने भी यफ इमेज उसका इनफिमम को दिया है। तो अब यदि यह जो एफएक्स है इस एफसी से छोटा दिया तब तो इनफिमम रहा ही नहीं। इट मीन्स हम जो ये सपोज किया कि, लेकिन ये इनफिमम तो है, इसका मतलब जो सपोज किया कि यफ डैश सी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं ए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रहने पर ही ये कंडीशन आपको आ रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इस इंटरवल में ए जो सी है, इस सी का ए लेफ्ट का इंटरवल है, इसमें जितने यक्स है उनका एफएक्स एफसी से लेस आ गया, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि सी हमने उस पॉइंट को लिया है जिसका यफ इमेज इसमें जितने जो इनफिमम है यल उसको देने वाला ये हमारा आ जाएगा, इससे लेस देगा तो ये इनफिमम रह ही नहीं जाएगा, इसलिए हमारा एफ डैश सी जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो एफ डैश सी पॉजिटिव लिया वो नहीं हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। अब एफ डैश सी यदि निगेटिव हो जाए तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज एफ सी इज इक्वल टू एल, यानी इसमें जितने भी यफ इमेज है जो सबसे छोटा हुआ वो हमारा इनफिमम हुआ, और इनफिमम देने वाले को हमने सी कहा है, तो उससे छोटा देने वाला यदि हमको मिल जाए तो एफ सी इज इक्वल टू यल ए रह ही नहीं जाए। तो ये आया क्यों, क्योंकि हमने एफ डैश सी को पॉजिटिव मान लिया था, तो एफ डैश सी पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाए तो एफ सी इज इक्वल टू यल रहेगा ही नहीं, उससे भी छोटे देने वाले एक्स इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए पॉजिटिव हम नहीं ले सकते। अब दूसरा स्थिति, यदि हम इसका निगेटिव ले लें, तो जब निगेटिव लेंगे तब देखें आपको क्या आएगा, निगेटिव लिया तो इफ एफ डैश सी इज निगेटिव, तब आप सी पर उस इंटरवल को लेंगे जिसमें हमारा एफ एक्स एफ सी से फिर लेस आ, तो क्योंकि ये हमारा इनफिमम लिया है तो लेस के लिए, तब आप देखें या जब सी पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ के एक्स एफ एक्स एफ सी से ग्रेटर देगा, लेकिन हमको ग्रेटर या नहीं लाना है, इनफिमम ले रहे हैं, तो इसका मतलब सी से लेफ्ट वाला इंटरवल में एफ एक्स एफ सी से लेस दे देगा, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया। अब यह सी को हमने निगेटिव लिया, तब ये निगेटिव वाला जो इंटरवल होगा, ये निगेटिव वाला, तो उसमें एफ एक्स एफ सी से ग्रेटर देगा, लेकिन हमको ग्रेटर वाला नहीं चाहिए, हमको लेस वाला चाहिए। इसका मतलब सी से ए सी प्लस डेल के बीच के जो एक्स होंगे उनका एफ एक्स एफ सी से लेस होगा। तो वी फाइंड सी से सी प्लस डेल पॉजिटिव रहने पर ए पॉजिटिव के तरफ का जो एक्स होता है वो एफ एक्स इस एफ सी से ग्रेटर होगा, लेकिन हमको वो इंटरवल लेना है जिसमें लेस हो, तो जब निगेटिव है तब इस इंटरवल में एफ एक्स एफ सी से लेस देगा। तो वी फाइंड सी प्लस डेल सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस डेल एफ एक्स लेस देन एफ सी, यानी इस इंटरवल के जितने यक्स हैं उनका एफ एक्स हमारा एफ सी से लेस हो गया, जबकि नहीं हो सकता, एफ सी सबसे छोटा देने वाला ऊपर हम ले चुके हैं, तो इसका मतलब यह जो एफ डैश सी को निगेटिव ले रहा है वो भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाई एफ डैश
फी एफ एक्स लेस देन एफ सी विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज बिकॉज एफ सी इज इक्वल टू एल, एल हमारा इन्फिमम है यानी सबसे छोटी वैल्यू देने वाला सी है, उसके बीच दूसरा कोई पॉइंट हमको इससे लेस नहीं दे सकता, तो वो हमारा तब हमने देखा कि यह एफ डैश सी पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव लिया तो इस इंटरवल के जितने एक्स हैं उनका एफ एक्स एफ सी से लेस हो गया, और जब निगेटिव लिया तो इस इंटरवल के जितने एक्स हैं उनका एफ एक्स एफ सी से लेस हो गया, जबकि एफ एक्स की वैल्यू हमारा एफ सी से लेस नहीं हो सकता, एफ सी वो पॉइंट है जो इन्फिमम को दे रहा है यानी उससे छोटा कोई पॉइंट हमको इमेज में नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारा जब एफ डैश सी पॉजिटिव ही नहीं हुआ और एफ डैश सी निगेटिव ही नहीं हुआ तो हमारे पास जीरो के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, दिस इम्प्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और यही रिजल्ट आपको दिखा रहा था एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तब हमने देखा यदि एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों अपोजिट साइन रखें तो ए और बी को छोड़ करके इसमें कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो आ जाएगा, ये हमारा कंप्लीट थ्योरम हुआ। तो इस थ्योरम को एक बार सीरियसली आप लोग समझ लेंगे और फिर ये महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसके बाद का जो थ्योरम होगा वो हम नेक्स्ट में देंगे।